खाकी पहने ये वही गद्दार हैं जिन्होंने विकास दुबे को सूचना दी थी। आपको बता दें, कानपुर में हुए निर्मम हत्या के मामले में ये वही दोनों दरोगा हैं जिन्होंने विकास दुबे, जो हिस्ट्री शीटर है, उसको जो है सूचना देने वाले ये वही आरोपी दरोगा हैं। इनको आज कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, ये वही दरोगा हैं जिन्होंने विकास दुबे को सूचना दी थी। इस मामले में एसटीएफ तो जांच कर ही रही है, फिलहाल अभी तक जो है विकास दुबे नहीं मिला है। उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, फिलहाल उस पर जो है एसटीएफ जांच कर रही है। इन गद्दारों को जो है फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की भी जो है जाँच एसटीएफ कर रही है। थाना चौबेपुर में बित्रू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शन के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है, तो इसलिए इस कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा।